से मानता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन शिक्षित लोगों का कहना है कि जातिवाद कोई नहीं होता। फिलहाल मैं एक बार मिलना चाहूंगा जो दिनेश लाल नीरोज जी के साथ लगातार रहते हैं हमारे चैनल में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको दशहरा और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ही को के दर्शक लोग नहीं, सबको, पूरे समस्त ग्रामवासी, जनपद आजमगढ़ वासियों को और आप सभी को माता रानी की कृपा हो और भगवान भोलेनाथ पर आपकी सदैव कृपा बनी रहे। और दिनेश लाल नीरोज जी अभी फिलहाल के समय शांत हैं। तो विपक्ष लगातार कह रहा था कि दिनेश लाल नीरोज जी जैसे ही चुनाव जीतेंगे आजमगढ़ से उड़ जाएंगे, मतलब आजमगढ़ से मुंबई को रवाना हो जाएंगे शूटिंग के। आपका क्या मानना है? हंसते हुए बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आप ये बताइए जो आप कह रहे हैं उड़ जाएंगे, तो यही हमारे बाबूजी मुलायम सिंह यादव थे, हम लोग उनको लालटेन और डबरी लेकर के खोजते थे तो नहीं मिल पाए थे। और यही अखिलेश भैया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आप ये बताइए आप राष्ट्रीय नेता तो किसान गरीब दलित बैगोटों का नेता दिनेश लाल नीरोज, आप लोग तो मझधार में छोड़ के चले गए और आपकी तो नैया बेड़ा पार तो यहाँ दिनेश लाल नीरोज लगा दिए। अगर हमें आजमगढ़ का बेटा और पूर्वांचल का नेता आजमगढ़ को सजाने और संवारने का काम किए और आपका अधूरा काम उसको दिनेश लाल नीरोज किया पूरा, मैं तो पहले आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ। एक सवाल सर आपसे और होगा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम यादव जी हैं, तो कोई कहता है हम पंडित जी हैं, तो कोई कहता है हम गुप्ता जी हैं, तो कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है राय साहब है। आपको क्या लगता है आजमगढ़ की जो जनता है नीरोज जी को जातिवाद पे वोट दी है या विकास के नाम पे वोट दी है? देखिए हम आपको पहले बता देते हैं, एक बिरादरीवाद, जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद जब तक रहेगा ये हमारा विकास का विनाशक है, ये विकास नहीं है। अब आप बिरादरी की जहाँ बात करते हैं तो क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? आप सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, बिजली, पानी की बात नहीं करते हैं? कोयरी, कोहार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भार, भुंजार, खटिंग, मल्ला, चौरसिया, करवाला, जसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसार, बरई, बनिया, कुत्ता, सुनार, बाऊ, काब, रोटी, पीपर, कालू, बर्मा, केवट, निसार, बंजारा, बरई। और आप ये बताइए दलित कोई दौलत का बेटा, मैं दलित का बेटा क्यों? कि अगर जब मेरी माँ परसों पीड़ा में दो माँ होती, एक कर्म की माँ, एक जन्म की माँ, वह कर्म जन्म की माँ तो जन्म देती है, कर्म की माँ जो नाड़ काटने वाली मेरी माँ की हत्या कर सकती थी, मेरी मौत कर सकती थी। अगर दलितों में कोई किसी का अधिकार तो रामदास यादव का, अखिलेश भैया आपका अधिकार नहीं है। कब आप दलित और ओबीसी की बात करते? आपने तो दलित और ओबीसी को कुचलने का काम किए। इसलिए हमें पूर्वांचल का बेटा और आजमगढ़ का नेता मिल गया कि आजमगढ़ में विकास का पिटारा खुल गया। कहते हैं भाई और बहनों दिनेश लाल नीरोज आ गया, विकास की गंगा बह गई, पेट में दर्द होने लगी। क्यों? काम बोलता है कि आजमगढ़ का कारनामा बोलता है? अरे वाह रे पूर्वांचल का बेटा, आजमगढ़ का नेता, ऐसे फुनहार लाल को हमने ला करके मौके पर खड़ा कर दिया, आजमगढ़ का विकास हो गया। रानी की सराय में दो दो घंटे जाम लगते थे, जाम टूट गया, यूनिवर्सिटी आ गई, फरिया में रेक लग गई, नंदाव दीदारगंज विधानसभा में क्या अखिलेश मुलायम की मजबूरी पड़ी थी, एक शेर पकड़ने आए थे, मैनपुरी से सिर सुरक्षित थी तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए थे, जनता उनसे नाराज थी जिसके बल पर वो जीते थे, छोड़ दिए लोटा बल्टी बंदी पानी पीते थे, कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ काट रहे, इतना लगाव आजमगढ़ की माटी से हुआ जब आरक्षण का विरोध थे इलाहाबाद में पिटवाए थे लाठी से, उन छात्रों से पूछिए जिनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ था, खुद भटक गए मंत्रियों के बहकावा में, कौन सी आजमगढ़ की जनता फरिया ले जा पाए दावा में? या तो समाजवाद नहीं परिवारवाद का चक्कर है, और 2024 में दिनेश लाल नीरोज से टक्कर है, यहाँ 10 विधायक 2 सांसद बने, तो आजमगढ़ का बेटा, आजमगढ़ का नेता है और पूर्वांचल का बेटा
दिनेश लाल निरहुआ बनने लायक है इस बात की तो आजमगढ़ की जनता स्वीकार कर ली। 2024 एक तरफ अखिलेश और एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ, तय आपको करना है कि आपके लिए कौन सही रहेगा। और आपने आजमगढ़ का विकास पूर्व में भी देखा होगा और अब भी देखा होगा। और एक बात बताइए, आप तो ऊपर का सराय घर वाली डायलॉग बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि चल सन्यासी मंदिर में होगा, फिर वही भाजपा में आ गए। देखिए ओम प्रकाश राजभर वो आज अपना अवसर भाती है, उन्हीं की आज भारतीय जनता पार्टी की देन थी, वो राजनीति में आ गए, नहीं तो एक नियमरी नहीं जीत पाती। और सच्चाई है दो ही रुपए की कलम होती है, लिखने के लिए लाख लाख रुपए की लाइन लिख दी जाती है। सच्चाई है दो ही रुपए की कलम से किसी की जिंदगी और मौत का पैगाम लिखा जाता है। सच्चाई है, मैं सच्चाई इस बात को दे रहा हूँ कि ऐसा सांसद ना कोई मिला ना मिलेगा ना होगा ना होगा। क्यों ना होगा ना हुआ है, चाहे चाची अमर चाहे चाचा, मैनपुरी अटावा आजमगढ़ में ही नाची, ना चुनौती रह गई ना मैनपुरी अटावा या तुम्हारे बाप की बपौती रह गई। क्योंकि हमारे आजमगढ़ के लोगों को आपने धोखा दिया, दिनेश लाल निरहुआ ने धोखा नहीं दिया। सही बात, क्यों आप भी बताइए कि बाप की हैसियत को लेगा, का हम घर द्वार हम काय देगा जमीन हम का भैया 10,000 कर्जवा सब में हुकारी हमी दे भर अने कटार का को हम कहीं मुटका मुंगरो हमार भाव लिए। बधाई मैं देना चाहता हूँ जननी को जो ऐसे बहादुर बेटे को आपने जन्म दी। बधाई देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई दिनेश लाल आदरणीय सांसद को। जब हमारे आजमगढ़ की जनता सोती है तो हमारा है आपका बेटा है, हमारा है आपका लाल, आपका भाई आपके सामने जागने का काम करता है। चाहे पूरब की दिशा रही हो, चाहे पश्चिम की, चाहे उत्तर की, चाहे दक्षिण की, सर समाज के सम्मान में दिनेश लाल निरहुआ मैदान में आप लोगों के बीच में वहां शूटिंग करके सबकी फरियाद सुन रहा है, सबकी समस्या सुन रहा है। योगी जी भाषा बोलते थे लोगों ने कहा जिस तर्क में आप बात जिस लिहाजा में करेंगे उस लिहाजा में भी हम सब सिखाने का काम करेंगे। अगर आप हमें सम्मान देंगे तो हम अक्सर आपको सम्मान देंगे, अगर हमें कहीं आप अपमान करेंगे तो या तो जब मनबल की तीन दवाई, या तो जेल, या तो ऊपर, या तो घुटना फ्रैक्चर होगा, इसमें दो राह नहीं है। कहीं ना कहीं जब योगी जी के आप डायलॉग बोल रहे थे एक बातें याद आ गई, उन्होंने कहा है कि अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा, कोई हमारी बच्ची को, हमारी बेटी को, देश की बहादुर बिटिया को अगर किसी ने छेड़ा तो उन्हें राज के पास भेजूंगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, उनके जो दावे हैं फेल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं? अच्छा आप ये बताइए, जब यही समाजवादी, देखिए जब जब समाजवादी की सरकार बनती है, निठारी कांड, इलाहाबाद मदरसा कांड, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की मथुरा सीबीआई जांच मत कराएंगे, ज्यादा त्रिपाल पर जाएंगे, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ एक में था, रामलीला का मैदान चल रहा था, मेरे यादव समाज की बहन बेटियों को नंग अवस्था करने के बाद दुकर्म किया जाता है, चट्टी चौराहे पर जलाने का काम किया जाता है, सुबह आप लोग मीडिया पत्रकार बंधुओं से सुने होंगे, पेपर पढ़े होंगे, इंदिरा मरी निवास में, संजय मरा आकाश में, राजू मरा मद्रास में, यादव समाज का बेटा मऊ मारा जाता, बाईपास में बेकसूर बंटा थाने में टंगाता, एक हिंदू सम्राट नागरिक होने के नाते कारण जो महान आदित्यनाथ योगी को सदन में रोने का भारी पड़ा था, उसी का फलस्वरूप मिला कि दिल्ली हुई हमारी यूपी की है बारी, हर जगह बीजेपी का ही भागीदारी, मंदिर का आशीर्वाद मिला तो केंद्र में हमारी सरकार बन गई, मंदिर का आशीर्वाद लगा उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, और मंदिर का पाप लगा मुलायम सिंह की परिवार ढह गई, जो पार्टी और परिवार नहीं बचा पाए देश प्रदेश कैसे बचाएगा आप ही बताइए। और जहाँ तक आजमगढ़ की बात आप करते हैं ना, मैं आजमगढ़ एक पत्ता खोल रहा हूँ, जिस दिन स्थान पंजीकरण मानी दुर्गा प्रसाद बन गए, शेख पूर्वा में रामाश्रय चौहान की हत्या होती किसकी सरकार, गोदौरा में दो दो हिजड़े मारे जाते हैं, सर्वे सिंह साधारण सिंह की हत्या होती है, महाराज गंज सिंहासन यादव की हत्या होती है, वसीम मंत्री थे किसकी सरकार, आदिल विधायक बनते मोहम्मदपुर के बगल में रसूलपुर ग्राम सभा दाराम यादव के भाई की नीरव हत्या हुई थी किसकी सरकार थी, तस्करी लेकर के मुबारकपुर की दुकानें जलाई गई थी किसकी सरकार थी, आलमपति विधायक बने थे खुदा दाऊदपुर में 14 घर दलितों का जला जाता है, ये घर आप बता दीजिए जलाया क्या, शाम बहादुर विधायक बनते कोहड़ा गांव भरमों की बात तो छोड़िए, दलितपुर में मौर्या की लड़की के साथ सामूहिक दुकान हुआ का पेपर और मीडिया की लाता रहा क्या बता भाई, एफआईआर तक नहीं होता। कहीं ना कहीं अभी गोरखपुर में आपने देखा होगा पूर्व में अभी कुछ दिन पहले ही लड़कियों का दुपट्टा खींच दिया गया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है जो दुपट्टा खींचते होंगे तो मैं समझता हूँ ये सरकार में सुरक्षित तो नहीं रहे होंगे, अगर ये अपराधी है तो मैं समझता हूँ वो सलाखों के पीछे होगा, वो कहीं ये नहीं हो कि मंदिर में कहीं घंटा बजाता होगा,
अपराध कम हुआ कि नहीं हुई, आप ही बताइए। यही सारे आम लूटपाट चोरी हत्या होती थी, दस दस रुपए की छिनकती होती थी। मैं आपसे बता दूं, मैं कुछ जा रहा था, दस रुपया नमक लेने लिए, दो पहुंचते कहते भैया क्या लिए, मैं कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा, दस रुपया नमक के लिए बचा वो भी ले लेते हैं। एक मजदूरी निचारा करके आ रहा था, सार उसका मजदूरी नहीं मालिक दिया था, और बीड़ी और माचिस लिया था उसका, बीड़ी माचिस लेके चले गए। लेकिन आम जनता, यहाँ हमारी बहन बेटी चल रही है सुरक्षित, हम अपने को महसूस कर रहे हैं, नहीं तो सरे आम गुंडा यही सरे आम हीरो होंडा छीनते थे। आज तो हमने सुना कि भाई कहीं छिनकती हो रही, कहीं डकैती हो रही। तो आपने सुना, ये थी आजमगढ़ की राय, इन्होंने दिनेश लाल निरौजी के साथ। आप कौन से पोस्ट में, आपका पोस्ट क्या दिया गया है? देखिए, हम पोस्ट यही है, मैं दिनेश लाल निरौ का अनंत भक्त हूँ और अनंत भक्त बन के रहूंगा, क्योंकि समाज में तीन सेवा, पहला माँ बाप का, दूसरा गुरु का, तीसरा समाज का। अगर तीनों कोई सेवा किया है तो दिनेश लाल आदरणीय सांसद निरौ ने किया है। बहुत अच्छा लगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो इनकी आप फिर देखेंगे, और दूसरी वीडियो में क्या अपनी राय देते हैं वो भी चंदार राय देंगे, भड़कदार डेंजरस देंगे। डेंजरस का मतलब समाज में कुछ आप इनसे सीखेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।